देश में इस वक्त टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। 3 हफ्ते पहले जो टमाटर 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वो अब शतक पार कर चुका है। देश के अलग अलग शहरों में टमाटर के दाम 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर यही टमाटर के दाम जल्द ही काबू में नहीं आए तो सरकार गिराने तक की ताकत रखते हैं। राजनीतिक इतिहास देखे तो आज जो कमाल टमाटर के बढ़े दाम कर सकते हैं, वो कभी प्याज ने कर दिखाया था। प्याज की बेकाबू कीमतों ने 1998 में दिल्ली की पहली महिला सीएम बनी सुषमा स्वराज की सरकार को गिरा दिया था। उन्होंने काफी कम समय के लिए दिल्ली की सत्ता संभाली थी, लेकिन प्याज की कीमतों ने उनसे वो भी छीन ली। ये बात है साल 1998 की। दिवंगत सुषमा स्वराज तब केंद्र में अटल सरकार में सूचना प्रसारण और दूरसंचार मंत्री हुआ करती थी। हरियाणा में भी वो कैबिनेट मंत्री का पद संभाल चुकी थी। उस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सीएम की कुर्सी पर मदन लाल खुराना बैठे थे। उसी साल दिल्ली, महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में प्याज के दाम लोगों को रुला रहे थे। दिल्ली में प्याज की कीमतें बढ़ने के बाद विपक्ष भी हमलावर था। देखते ही देखते दिल्ली की सरकार पर दबाव बढ़ता गया और पार्टी आलाकमान ने स्थिति को संभालने के लिए मदन लाल की जगह साहिब सिंह वर्मा को दिल्ली की कमान सौंप दी। हालांकि स्थिति फिर भी नहीं सुधरी और प्याज की कीमतें फिर भी नहीं घटी, जिसके बाद बीजेपी ने साहिब सिंह वर्मा को भी पद से हटा दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को दिल्ली की कमान सौंप दी गई। तब दिल्ली विधानसभा चुनाव को 2 महीने से भी कम वक्त बचा था। सुषमा ने दिल्ली की कुर्सी संभालते ही प्याज की कीमतों को कम करने को लेकर कई प्रयास किए। प्याज को कथित तौर पर 5 रुपए प्रति किलो देने का वादा भी कर डाला, लेकिन ये सब काम ना आया और आखिरकार सुषमा स्वराज को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। हालांकि सुषमा ने अपनी दिल्ली में सरकार बचा ली थी। जो हाल प्याज ने 1998 में किया, वही हाल अब टमाटर कर रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि टमाटर के ये दाम क्या सरकार की कुर्सी हिला पाते हैं या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।